हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज है वेनसडे। आप देख सकते हैं हमारे स्कूल को कितने सुंदर से सजा के रखा है क्रिसमस के लिए। आज हमारे स्कूल में फर्स्ट पीरियड के बाद होगा प्रैक्टिस। वाइस मैंस आर सिटिंग हियर विद डिफरेंट कलर्स। हाँ, तो आप लोग देख सकते हो सारे क्लास टीचर बिजी हैं। एक्चुअली क्रिसमस ट्री का कंपटीशन होगा हमारे स्कूल में क्लास वाइज, और स्कूल में आते ही सब लोग अपना वेट चेक कर रहे हैं। एक्चुअली हमने ये वे मशीन ऑफिस से लेके आए थे बच्चे लोग का वेट चेक करने के लिए, पर उनको चेक करने से पहले हम खुद चेक कर रहे थे। चलो, एक से वो वाला मशीन ख़राब होगा बोल के ज़्यादा वेट आ रहा करके दूसरे मशीन में जाके चेक कर रहे हैं। फिर से देखो, तो हाँ, आज प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए प्रैक्टिस भी होगा और डेकोरेशन भी होगा। तो विथ सेक्शन दिस वन तो फर्स्ट पीरियड के बाद, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, डेकोरेशन के लिए सभी क्लासेस को टाइम दिया गया था और जो है सारे क्लास को जो है प्लेस दिया गया था कहाँ पर वो लोग अपना क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने वाले हैं। ये एक्चुअली क्लास वाइज कंपटीशन है क्रिसमस ट्री का, तो सारे लोग कितने खुश हैं और बहुत अपने मन से डेकोरेट करने में लगे हैं। उनको बहुत अच्छा भी लग रहा था। क्रिसमस ट्री, ओह दिस क्रिसमस ट्री आई डिड नॉट सी, ओनली Let me see this Christmas tree. Huh? You did not put till now anything. You not give. हाँ, तो ये बच्चे लोग बोल रहे थे कि ब्रेक टाइम के बाद ये लोग लगाएंगे जो भी डेकोरेशन का सामान अभी तक लगाया नहीं है। तो हाँ, डेकोरेशन भी चल रहा था और साइड बाय साइड इधर जो है प्रैक्टिस भी चल रहा था। ये हमारे क्लास के बच्चे हैं, उनको हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे थे कल के डांस के। और हाँ, देखो सारे क्लासेस के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस साइड में जो है सारे क्लासेस 8 के बच्चे हैं इस साइड में, और दूसरे साइड में जो है हाँ इधर से जो है क्लासेस 9 के बच्चे लोग का डेकोरेशन चल रहा है सारे सेक्शन लोग का। तो टीचर लोग भी लगे हैं अपने बच्चे लोग के साथ क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने के लिए और बहुत ही खुश है बच्चे लोग। वही मैटर करता है कि ये लोग इंजॉय करें अपना स्कूल लाइफ। ये स्कूल लाइफ ही सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि जब हम लोग बड़े हो जाते हैं हम लोग याद करते हैं अपने स्टूडेंट लाइफ, अपना जो एक्सपीरियंस है स्कूल लाइफ का वो शेयर करते हैं। और ये है हमारा क्रेप, ये स्कूल का क्रेप है, ये कंपटीशन में इंक्लूड नहीं है। तो इधर से स्टार्ट हो रहा है क्लास 9 के सारे सेक्शन का डेकोरेशन। और बच्चे लोग जैसे हम लोग बात करते रहते हैं किसी न किसी टॉपिक में, वैसे बच्चे लोग भी किसी टॉपिक में बात कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। हाँ, तो इधर से जो है क्लासेस 12 का डेकोरेशन स्टार्ट हो रहा है सारे सेक्शन का। और अभी इधर से जो है क्लासेस 11 का है। तो हाँ, जब ये फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा सारे क्लासेस का, मैं आप लोग को उस वक्त फिर से टूर करवाऊंगी सारे क्रिसमस ट्री का। हाँ, तो स्टूडेंट लोग का जो है वेट चेक हम लोग ने कर लिया था, तो अभी जो है हम लोग चेक कर रहे थे उनका हाइट, वो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे अभी। फिर उसके बाद हमारा ब्रेक टाइम हो गया। ब्रेक टाइम में हमने फिर से खाया आज स्टिकी राइस जो मैडम रजनी लेके आई थी, और हमने पी थी चाय जो मैडम किमी ने लेके आई थी। तो हाँ, यस, ब्रेक टाइम ख़त्म होने के बाद हम लोग फिर चले गए थे क्लास में, और हमारा जो ओपन स्टेज का काम भी है, देखो कितने ज़ोरों शोरों से हो रहा है, सारे वर्कर्स लगे हुए हैं जल्दी जल्दी ये कम्प्लीट करने में। ओपन स्टेज पता नहीं कब बना के देंगे हम लोग को। तो हाँ, बच्चे लोग को छोड़ने आ गई थी 1 बजे। उनको छोड़ने के बाद मैं फिर से आ गई थी बच्चे लोग को देखने के लिए क्लासेस 6 से 12 को, उनका डेकोरेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं। पर हाँ, डेकोरेशन कंप्लीट होने के बाद वो लोग क्लीन अप कर रहे थे उनका जो एरिया, जो डेकोरेशन के समय पेपर ये सब जो फैल गया था वही क्लीन अप करने में लग गए थे। हाँ, ये अच्छी बात है कि काम करने के बाद साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। हाँ, तो ये जो एक क्रिसमस ट्री है यहाँ पर तो फ़ोटो भी टंगे हुए हैं। तो आज जो है हमारे स्कूल में 1 बजे ही सारे क्लासेस की छुट्टी हो गई थी, पर
क्लासेस 6 से 12 जिनका कंप्लीट नहीं हुआ था वो भी अभी लगे हुए थे डेकोरेशन के लिए। तो अभी मैं आप लोग को टूर करवाती हूँ सारे क्रिसमस ट्री। हमारे स्कूल में जो हाउस वाइज बुलेटिन बोर्ड है वो भी प्री क्रिसमस के लिए प्रिपेयर हो गया है और इसका भी पॉइंट होगा। तो मेनली जो है इस ब्लॉग में आप लोगों को मैं दिखाना चाह रही हूँ हमारे स्कूल का प्री क्रिसमस प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर।